तो पहले तो मेरे पास आया था, यहाँ से क्रिया कराई थी, उससे आराम पड़ा था तुझे? मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। प्रीतम भैया ने मेरा जब इलाज किया था 2000। अच्छा, फिर प्रीतम भैया ने इलाज किया था, मनु भैया ने, मतलब आपने करा? तुम्हारी यही तो गलत फहमी है, गति बैठ के एक बार देख लेता है, 2018 में इलाज वाला समझ लेते हो। और मेरी दीदी आए थे जब आपने इलाज करा था, मनु भैया, जब मतलब उन्होंने वो बताया था जब आपने इलाज, उससे आराम पड़ा था आपको? मैं पूरा ठीक हो गया था। और मेरा पॉजिटिव कहीं जाने की जरूरत क्या थी? जब मैं कहीं नहीं जाता था, मैं 2 साल से यही आ रहा था जी। और मैं आरसीपीआ के पास भी जब आया था, मेरे को कही थी पॉजिटिविटी तेरी चल रही है, भक्ति भावना चल रही है, आपके पास भी दिखा के गया था मैं 2 महीने पहले भी, 1 महीना पहले भी गुड़गांव में जॉब कर रहा था, जब आप बोले सब कुछ सही चल रहा है, तो यूट्यूब पे मैंने जब देखा था, मैं वहाँ चला गया था मिलने के लिए। तो फिर मैं किससे मिलने के लिए चला गया था? सुनील दिया से। क्यों गए थे आप वहाँ मिलने? गलती हो गई, फिर क्या किया उसने तेरे साथ? तो वे बोले भाई तेरे भाई का काम बांध रखा है। अच्छा, फिर वहीं पर लगा के रखो, आप तो लगा के रखो ना अपना स्पीकर, डर जाओ। अच्छा, तूने मान ली, उसको दिखाई देता है, इस बात का प्रमाण दिया है उसने कि उसको दिखाई देता है? क्या नाम है उसका? आपको पता है लोग यहाँ आके दो फोटो खिंचवा के मेरे साथ क्या कर रहे हैं? लोगों के साथ मनु भैया बन रहे हैं, मनु भैया जैसे बन रहे हैं। क्या मंत्र दिया उसने तेरे को? उसके बाप को भी पता है शर्म देवता कौन सा है, सर्वेश्वर कौन है? ठीक है, वो केवल तंत्र के देवता है, ठीक है, उसका सामान्य आदमी मंत्र नहीं जप सकता। उस मंत्र को जपने से तुझे क्या हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान, और मेरे दिन रात वही दिमाग में चला गया, और फिर सुनना सोने मेरा इस मंत्र ना बवाल गले में गल गया ना, पॉजिटिविटी सारी। तूने कहा नहीं उसको, तूने मेरे भले गले में बवाल घाल दिया, पैसे भी ले लिए तूने मेरे से। तुम चले कैसे जाते मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें ये पता है मैं मनु भैया के पास जा रहा हूँ, इसे 70 जगह कौन सी ढूंढ लेते हो? अरे यहाँ कोई आदमी आके 2 दिन बैठ जाता है, अपनी 2 पिक्चर खिंचवा जाता है, यहाँ बैठ के मेरे साथ उसी से व्यवहार करने लगता है संसार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसी को मनु भैया से ऊपर समझने लगता है, ठीक है। अरे इनको कुछ भी नहीं होता है भाई, ठीक है, पर 4 दिन पहले वो हीरो बन के आता था, अब उसने लाल कपड़े पहन लिए, ऐसे लाल कपड़े पहनने से भगवान का भक्त बन जाता है कोई? उसे पूछा तुझे दर्शन हुए हैं? और क्या दर्शन हुए हैं? और कैसे दर्शन हुए हैं? और दर्शन होते कैसे हैं? बोला तेरे बाप ने भी भगवान देखा है कभी? इनको ससुरों को तू मान क्या रहते हो, मेरी समझ में नहीं आती। अरे 10 दिन पहले तो मेरे नाम से पैसे लेके खाता था, आगे समझ में अकाउंट खोल खोल के, अब ये करता है, बदमाशों के साथ आता है ससुरा यार, नहीं समझे तू? और फिर तुम जाके उनके गले पड़ जाते हो, ठग भी लिया, धो भी दिया। अरे तुझे क्या पता सर्वेश्वर कौन है? पता पता शर्म क्या क्या कौन सा देवता है? क्या मतलब है? वो बोले कि ये बुखार वाला है, खाली भूत। जब तू यहाँ ठीक हो गया, और यहाँ जाप कर रहा था उनको शिवाय उनका, ठीक हो गया, पॉजिटिविटी पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिविटी तेरे साथ थी, फिर तुझे ऐसे आदमी के पास, ऐसे व्यक्ति के पास जाने की क्या जरूरत थी? अरे कौन पूछता है इनको संसार में? तुम लोग भाव दे देते हो जो संसार में आता है। एक बार गलती मेरी है, मुझे इनको बैठा के यहाँ जूते मारने चाहिए, ऐसे ऐसे वो जो एक एक दिन सीखने आते हैं। अरे गलती तो मेरे से भी हो रही है कहीं ना कहीं, आते हैं सत्र बैठ के फोटो खिंचवा जाते हैं, फिर उसका लाभ लेते हैं मेरा, मैं मनु भैया का हूँ, और जब मैं यहाँ से गाली देता हूँ तो फिर ससुर उल्टे बोलते हैं मनु भैया के क्या था। और 6 अगस्त को मेरे को समझ में आ गई, 5 अगस्त तक ही सारा कुछ मेरे दिमाग से वो सुनना कर दिया था, एक बार जाते ही मेरा दिमाग, और मेरे समझ में आ गई क्योंकि मैं भगवान का बंदा था। मैं ये मेरे नाम से पैसे लेके खा रहा था अकाउंट में अपने, 11-11 हजार, 11-11 सौ, 11-11 हजार, फिर ये अपने आप बाबा बन जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आया ससुर यहाँ से जो गया वो बाबा कैसे बन जाता है, ठीक है, मेरे से भी ज्यादा कैसे प्रेत काट लेता है, जितनी ऊंची बातें कैसे बता देता है लोग, कौन शर्म देवता है, इनके पुरखों को भी नहीं पता, इसको पूछ, सर्वेश्वर की कोई किताब है तेरे पास? तेरा कोई गुरु है? किसी ने तुझसे साधना कराई है सर्वेश्वर देवता की? पूछिए। अरे बोला ससुर तू अपने पास से ही मंत्र बना लेता है, मंत्र बनाने के लिए क्या चाहिए? तूने कभी कोई स्तुति लिखी है? तेरे कुल में तेरे दादा ने, परदादा ने, ससुर ने, किसी ने कुछ लिखा है? कोई सा था तुम्हारे कुल में भक्त? किसी ने भगवान की कभी भजन भी किया है? फिर कहते हैं, फिर ऐसे लोग जब पीड़ित होते हैं कहते हैं कि हमने तो कोई अपराध नहीं किया। अरे इससे बड़े क्या अपराध करोगे तुम? सामान्य आदमी को ठग रहे हो,
नाम ले लेके भगवान का है 4000 रुपए करिए। मैं तो जब मानू ना जब फ्री में ठीक करे, मानू भैया ने तो 16 साल व्यक्ति बिना पैसे के ठीक किया है, तब फ्री में ठीक करे, और आज भी जो बनाया तुम्हारे लिए लेने लग रहा हूँ। मैं तो जब मानू ना, फिर जब तू ठीक हो गया, तेरी बहन ठीक हो गई, तुझे ऐसे के पास जाने की जरूरत क्या थी? ये भी तो बता दे, ये कितने निकम्मे और चोर घूमते हैं पता नहीं चलता। मैंने इतनी बुरी तरह धमका रखा, आज भी वीडियो पड़ी है मेरे पास। अरे ससुर क्या है तेरे पास, कौन सा मंत्र बता? निकम्मा कहीं का, लोगों को ठगते फिरते हैं ऐसे ऐसे, लुच्चे कहीं के, कहाँ रहता है? 2 किलोमीटर की दूरी पे था, बता दिया गया तो फिर मेरे साथ एक ही दिन में ही हो गया, 1 अगस्त को ही क्रिया भी हो गई, पैसे भी दे दिए। क्या क्रिया की उसने बताना? पानी पिलाया था उसने, तो बुद्धि मिलाई। हाँ मेरे भाई और मैं, हम दो मतलब भाई गए, मेरे भाई का नाम सूरज। तो अपने भाई को आज क्यों नहीं लेके आया? ये नए नए चोर पैदा हो गए, लोगों को ठग रहे हैं, मेरा भी नाम बदनाम कर दिया ससुरों ने। पहले फोटो दिखाते थे, फिर मैंने यहाँ से धमकाना चालू कर दिया, फोटो बंद कर दिया, फिर मेरे को ये बता दिया कि भाई ये आदमी तो कुछ जानता है, मैं ही जानता हूँ, जो कुछ जानता हूँ। हरने खा हो गए ससुर, एक एक दिन में चौधरी बन गया। बोला नारियल का मतलब ही बता दे तू क्या होता है। अरे इनका मतलब ही बता दे, ये कुछ नहीं जानते सत्र। बीच में कर लिया। मनु भैया की प्रत्येक क्रिया का एक अर्थ है, मनु भैया उस अर्थ को समझा सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को, ठीक है, और सबको समझा सकते हैं, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों को समझा सकते हैं, ठीक है, खुद भगवान को बता सकते हैं। मैं ये दे रहा हूँ आपको, तो क्यों दे रहा हूँ? और 4 दिन रहता तेरा मरने वाला काम था, ठीक है, अब तेरे मरे का बदला कौन देता? प्रतिकार आज मैं तेरे मन से उस मंत्र को निकाल के बाहर करता हूँ। अभी बैठ सीधा होके सर्वेश्वर देवता से प्रार्थना करता हूँ, इस बच्चे से भूल होगी आपका नाम लेने में, आपका नाम इसको पता नहीं कैसे लिया जाता है। हे सर्वेश्वर देवता, क्या नाम है तेरा? प्रिंस सोनी। के मन से पुती से तुरंत आप निकल जाइए और इसको इसका भजन करने दीजिए। ये इतने क्रूर देवता है, इतने गुस्सैल देवता है, एक बार पंख फड़फड़ाते हैं क्षत विक्षत हो जाते हैं बड़े बड़े राक्षस। ये ससरे यही नहीं जानते इनका नाम कैसे लेना, भगवान शंकर के साथ उनका नाम जोड़ के ले रहा है, उनका सब कुछ अलग है, सारा तंत्र अलग है। क्या मंत्र बताया उसने तुझे? बोला बोला वेद व्यास बन जा ना तू, वेद व्यास बन जा, वेद व्यास की औलाद। असल निकम्मे लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोगों को ठगने के लिए, और क्या क्या रूप धारण कर लेते हैं। मनु भैया ने आज तक लाल पीले कपड़े नहीं पहने, महात्मा बन जाते हैं, चोर लुच्चे कहीं के लोगों को ठग रहे हैं। ये ही नहीं पता ससुर तुम हो क्या, किस खेत की मूली हो, कहाँ से उत्पन्न हुए हो, भगवान का नाम ले ले। चढ़ा रखे ऐसे ऐसे, अब आग बंद कर केवल भगवान शंकर की तस्वीर को देख के उसका ध्यान एक बार उतर देख ले। चलो हट जाओ जी, देख शांति आने लग रही है तेरी तरफ दौड़ की, अभी तेरे दिमाग में विश्व में शांति छा जाएगी, तेरे दिमाग के ब्रह्मांड में शांति छा जाएगी। बस ठगी 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 किसी तरह लोगों को शिकार बना लो झूठ बोल बोल के, ठीक है ना? ये दिखाई दे रहा है मुझे, ये दिखाई दे रहा है सब ससुर। एक ना पानीपत में एक छोटे से बच्चे को बैठा लिया, बोला ये सब कुछ देख रहा है ससुरे, आए ना चल के तेरी माया प्रेम कमीन कहीं का, ठीक है, फिर जिससे पैसे ले ले उसका फोन उठाना बंद कर दे। इतना निकम्मे नीच रखती है कुछ है, 4 दिन आया 2 अगरबत्ती लेके आया, 2 लोगों को मैंने झाड़ा क्या लगवा,
जिनसे वो झाड़ा लगवाता था उनको भी झाड़ा लगाने लग गया। सर कहाँ से ठगी का हो गए? पर्ची दिखाना कहाँ है? पर्ची पानी में बुआ दिया सारा, मैंने पूजा पाठ कर सारा सामान सब कुछ उठा दिया। तेजी दिखाओ, ऐसे मत करो, आवाज नहीं आएगी। सारा क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा, चाहिए भूल के। अब कैसा महसूस हो रहा है भाई? संतुष्ट हो? बोलो पूज्य मनु भैया जी की जय, और शनि धाम की जय, सांचे दरबार की जय, भैया के प्यार की जय। अपने आप निकाल दूंगा मैं सारी, ठीक है। चलो चल के देखो।